आइए हम दुआ करेंगे। किस बात के लिए दुआ करेंगे? इसलिए दुआ करेंगे कि हम खुदा का कलाम सुनना, और ये जो खुदा का कलाम है इसको जिंदा कहते हैं, मबसर कहते हैं। एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज कहते हैं। ये कलाम वो है जो हमारे ख्यालों का भी ऑपरेशन करता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे कलाम को और अपने दिल में रखेंगे, तो ये कलाम आपकी रूह और आपके बदन और आपकी जान में काम करेगा। दुआ करेंगे। आए खुदावन, आज तेरा कलाम बेअसर बेअंजाम वापस नहीं आता। तेरा कलाम हर दिल में पूरे ईमान के साथ बैठ जाए, ताकि हर जिंदगी बहाल हो जाए, नजात हासिल करे और इत्मीनान खुशी सकून को हासिल करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो आज हम गौर करेंगे खुदा के कलाम की कुदरत को। लिखा है कि खुदा के कलाम में कुदरत है। कुदरत, खुदा के कलाम में कुदरत है, परमेश्वर के वचन में कुदरत है, परमेश्वर दी बाणी विच सामर्थ्य है। ध्यान से सुनो और कान लगाओ। हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री। इसको खुदा का कलाम या वचन कहते हैं। खुदा का जो कलाम है, परमेश्वर का वचन जो है, गुरु दी बाणी जड़ी है, उदे विच ताकत की है, उस कलाम में कुदरत कितनी है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों पहला बाब, उसकी पहली आयत से। अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से अगले जमाने का मतलब है गुजरा हुआ समय, गुजरे हुए युग, गुजरे हुए जमाने में खुदा ने हिस्सा बा हिस्सा और तरह बेतरह नबियों की मार्फत कलाम किया। इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया, जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए, जहान भी रचे, made the worlds,
और वो उसके जलाल का परताव, वो जो वो था उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श और उसकी जात, उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से अपनी सब चीजों को अपने कलाम की कुदरत से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर बस संभालता है, अपने कलाम की कुदरत से संभालता है। अय्यूब उसकी 26वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, वो जमीन को खला में लटकाता है, खला में लटकाता है, खला में या हवा में या आसमानों में, आसमान क्या है, हवाएं हैं, हवाएं, और इतनी हवाएं, इतनी किस्म की हवाएं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, हम उनको उनकी गिनती नहीं कर सकते, ऐसी भी हवाएं हैं जिसमें शहर बन सकता है, लोग ठहर सकते हैं, कुछ चल रही है हवाएं, कुछ खड़ी है हवाएं, कुछ धीमी धीमी चलती है हवाएं, पानी के भी अंदर हवा होती है, आग के अंदर भी हवा होती है, चिराग भी हवा से जलते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं। इसलिए हवाएं, आप समझोगे ये जो आसमान जिसको कहते हैं इसकी हवाएं, हाँ ये आपने सुना होगा, हमारे कुछ लोग कहते हैं आसमान, कुछ कहते हैं आसमानों का आसमान यानी तीसरा आसमान, कुछ कहते हैं सात आसमान। अजीजों, ना एक है, ना तीन है, ना सात हैं। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा गुरु ग्रंथ साहब में कि लाखों पाताल, लाखों आसमान और लाखों पाताल हैं, आसमान हैं, पृथ्वी भी हम कह सकते हैं लाखों किस्म की। मगर मैं जो बताना चाहता हूं एक बात ध्यान से सुनेंगे तब, आसमान जितने जमीन के ऊपर हैं, आसमान जितने जमीन के ऊपर हैं उतने ही जमीन के नीचे हैं। आसमान ना कोई नाप सकता है किसी चीज से, तो जो नापी नहीं जाएगी वो चीज आसमान है। जमीन तो आपने नाप ली क्योंकि आप यहां रहते हैं, तो आसमान ना आपको दिखाओ, ना किसी ने नापा, ना किसी ने बताया, ना कोई बता सकेगा। इसलिए सारी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर का शब्द, खुदा का बेटा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुंह में से निकला हुआ वचन, खुदा में से निकला हुआ खुदा का कलाम, यीशु मसीह ने बार बार फकीरों, फरीसियों, यहूदियों को कहा
आप जानते हो खुदा को, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, अगर तू खुदा को जानते हो तो मुझे क्यों नहीं जानते? जो जो मुझे जानते हैं, मुझे मनीरपा जी को, मनीरपा जी तो नहीं कहना चाहिए, चलो वैसे कह देना तो ही कहना ही है, पर जो मनीर को जानता है वो मनीर की आवाज को भी जानता है। तो अगर आप खुदा की आवाज को जानते हो तो खुदा को भी जानते हो। तो मैं खुदा की आवाज हूं, खुदा नहीं, खुदा की आवाज। अब खुदावन यीशु मसीह बार बार कहता, मैं खुदा में से निकला हूं और खुदा में से निकल कर आया हूं, सब नजात का काम खत्म करके जो कलाम दिया है खुदा ने कहा है ये काम कर। तो जब कलाम का काम पूरा हो जाएगा तो बेटा खुदा के में से निकला है ना, तो उसी खुदा में चला जाएगा। बस फिर गॉड इज गॉड, एक ही परमेश्वर, फिर वो खुदा ही सब में, खुदा ही सब में होगा, खुदा ही खुदा होगा बस। तो इसलिए खुदा के कलाम में कुदरत है। तो आज आप खुदा का कलाम सुनना, किस तरह सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे एक जो नबी था, नबी अगर मैं आपसे सवाल करूंगा कि संस्कृत में नबी को क्या कहते हैं, और भी बहुत सी लैंग्वेज हैं, तो कुछ कहते हैं ऋषि मुनि, जो जंगलों में पहाड़ों में इबादत करते हैं। तो हम उनसे सवाल करते हैं कि आप नबी हैं तो जंगलों में पहाड़ों में किससे बातें करते हो? पत्थरों से? नबी पत्थरों के लिए थोड़ी होते हैं, पाई के लिए थोड़ी होते हैं। नबी तो खुदा के जो नबी होते हैं वो तो इंसानों को उपदेश देने के लिए होते हैं। तो क्या आप नबियों की मार्फत खुदा की आवाज को सुनते हो? दिया वो नहीं जिसको कोई तूफान बुझा सके, दिए तो वो होते हैं, दिए तो वो होते हैं जिसको कोई तूफान ना दबा सकता, ना मिटा सकता है, ना बुझा सकता है। तो इसलिए वो चराग जो जोत में से निकली हुई जोते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब एक नबी है जिसका नाम अलीशा, और जो उसके पास आया वो एक सेनापति है, सेनापति विदेश का, दूसरे देश का। तो जब वो आया तो किस तरह वो आया था, उस सेनापति के घर में एक छोटी सी गुलाम लड़की काम करती थी, वो गुलाम थी और वो सेनापति। तब उस
उस लड़की ने कहा, मेरा मालिक जो है नेमान, ये कुड़ी है, अगर हमारे देश में देश सात संगियों का देश, जहां धार्मिक लोग रहते हैं, जहां अल्लाह वाले रहते हैं, गुरु वाले रिंदे नहीं, गुरमतिये मनमतिये ते जगमतिये, जग की तरह चलना, मन कहे जो वो करना, वो नहीं होते जो गुरु की मत में चलते हैं, उन लोगों के बीच में, सत संगियों के बीच में चला जाए तो इसका कोर चला जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। तब उस लड़की के कहे के मुताबिक वो नेमान अपने बादशाह से रुख्सत लेकर, बहुत उनके साथ जो सेनापति होता है उसके साथ कितने लोग हो सकते हैं आप तो जानते हैं, तो वो राजा के पास आकर के कह रहा है, मुझे शिफा दे, मुझे चंगा कर। उसने कहा, आई एम किंग ऑफ इज़राइल, मैं इसराइल का बादशाह हूं, इसराइल का नबी नहीं। सुन रहे हो? अगर इस इलाके में खुदा के नाम लेवा लोग, क्योंकि उसने वादा किया है, जिस जगह दो हों या तीन, शर्त ये हो कि वो मेरे नाम में जमा हों, मजहब इंसान के नाम में नहीं, ऊपर वाले के नाम में। जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं ना, तो हमें नाम मिलता है। जैसे मेरा नाम एक है, मगर हिस्से मुझ में तीन है, रूह है, जिस्म है, जान है। तो इसी तरह वो जो कलाम है, शब्द है, तो उसने कहा, मैं खुदा थोड़ी हूं कि तुझे शिफा दे सकूं। अजीजों, आज तक कोढ़ की दवा नहीं, आज तक बहुत से कोड़ी थे, बहुत से कोड़ी हैं, मगर एक जमाना था जिसमें एक ही कोड़ी शफायाब हुआ था। तो उस लड़की के कहे के मुताबिक वो आया, तो उसने अपने कपड़े फाड़े। राजा हो सकता है, नबी नबी होता है, दस नबी हो ना, दस नबी, जिस इलाके में दसवीं नबी हो वहां वबा और आफतें नाजिल नहीं होंगी। तो इसलिए जब वो सुना उसने अलीशा ने कि राजा ने अपने कपड़े फाड़े, कोई आदमी आया सेनापति, तब वो उसको भेजा गया कि अलीशा के घर में जाओ, अलीशा के पास जाओ, आज मैं भी आपसे कहता हूं, आप खुदा के, परमेश्वर के, वाहेगुरु के, अल्लाह ताला के पास आ जाओ बस, और मैं कुछ नहीं कह सकता। आ जाओ, अभी भी वापस आ जाओ। तब वो जब आया, तब क्या हुआ, दस आयत से पढ़ेंगे, दूसरा
सलातीन दूसरा राजा 5:10 आयत से। और अलीशर ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और जर्दन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिला कर कोढ़ को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजम पास आकर उससे जूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक जर्दन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। फिर वो अपनी जिलों के सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देख अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़ और कहीं रूहे ज़मीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब कर्म फरमा कर अपने खादम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावन की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ मैं कुछ नहीं लूँगा। और उसने उससे बहुत इसरार किया कि ले, पर उसने इनकार किया। तब नवान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरे खादिम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादिम अब से आगे खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के हजूर ना तो सोख्तनी कुर्बानी ना जबीहा चढ़ाएगा। यह हमने सुना है। पहली बात, नबी कैसा होता है? नबी खुदा की आंख होता है। नबी खुदा की आवाज होता है तो नबी। खुदा को जानता है तो और कोई नहीं, नबी जानता है। कुछ कुछ बातें हम ध्यान देंगे इन पर। जब वो आया था तो तब खुदा का खादम अलीशा नबी बाहर नहीं आया। किसी सेवक को कहा, जा उस नमान कोड़ी से कह, उस सेनापति को कह दे यहां यर्दन जो है तो यर्दन में उतर कर, यर्दन के पानी में उतर कर 7 बार डुबकी लगा ले तो तेरा कोढ़ चला जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। तो उसने बहुत ताज्जुब किया। हमारे देश में तो साधु संत महात्मा जितने होते हैं वो तो लोगों को ढूंढते हैं। तो मैं इसको ढूंढने आया, इनके पास आया तो ये बाहर ही नहीं आया। क्यों? कलाम में कुदरत है। किसमें? कलाम में कुदरत है। जो अपने आप को दिखाया करते हैं वो नबी नहीं होते। जो नबी होते हैं वो अपने आप को कभी बाहर नहीं दिखाया करते। अगर कोई दिखाता है तो फिर अपने गुरु को, अपने खुदा को दिखाता है। तब उसने ताज्जुब किया, बाहर नहीं आया।
तो उसे वो इसलिए भी नहीं आया था कि तू देखेगा इंसान को, इंसान को देखेगा तू, तो इंसान का जिस्म पर तू विश्वास करेगा कि बाहर निकलेगा, पहले दान कबूल करेगा तो फिर दान लेकर के खुश हो जाएगा। वो सेनापति था, बहुत बड़ा दान लेकर आया था। तब उसने सोचा कि वो मेरे जिस्म पर इधर उधर हाथ घुमाता तो मुझे यकीन होता कि मैं शिफायाब हो सकता हूं। तो वो बाहर ही नहीं निकला। खुदा का नबी बाहर आएगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा, अंदर जाएगा। उसका अंदर जाना, उसका बाहर जाना हुक्म खुदा में होगा, दौलत में नहीं। दौलत में नहीं होता। कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ा सा दान देकर, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, मगर आप ध्यान दे दें। तब उस वक्त उसने ताज्जुब किया कि ये बाहर क्यों नहीं निकला, बाहर नहीं निकलते, दिखावा नहीं देते। वो ये बताना चाहता था कि कलाम में कुदरत है, कलाम में, नबी के शरीर में नहीं। आपका ध्यान, आपका विश्वास किसी इंसान पर नहीं, आपका विश्वास सीधा सीधा खुदा पर हो, परमेश्वर पर हो। आप जानते हैं कई लोग कहते हैं आप दुआ करते हो बीमारों को चंगाई मिलती है, आप दुआ करते हो, सुना कई बार मरा हुआ जिंदा हुआ। तो मैं उन लोगों को ये कहता हूँ, अगर मेरे हाथ में शिफा है इस जिस्म में, तो मैं जब मेरी माँ बहुत मुझे प्यार करने वाली थी, तब वो मर रहे थे, आखिरी सांस छोड़ रहे थे, तो अगर मुझ में होता कुछ तो मैं माँ के ऊपर हाथ रख करके तो कह सकता था। मगर ये आप लोगों को विश्वास करना चाहिए, जो नबी अपने जिस्म में ताकत दिखाते हैं उसमें होती नहीं, क्योंकि कुदरत खुदा के कलाम में होती है। तब क्या हुआ, उसने बोला कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे तरह के पानी हमारे देश में भी हैं। तो उन्होंने कहा आपके देश में पानी है, बता तेरे देश में नबी तो नहीं। नबी बहुत कम होते, कम 20 लाख लोगों के लिए एक ही नबी काफी था। तो आज नबी ज्यादा हैं तो लोग कम हैं। भविष्यवाणी कर रहे थे 12 जो आएगा 12 सन तो दुनिया मर जाएगी। खुदा बनने वालों, खुदा क्या बनोगे, इंसान ही बन जो काफी है। वो मुझे शेर भूलता नहीं, मैं हर रोज सुनाऊंगा। दावा करते हैं ये लोग, दावा करते हैं सूरज बनाकर छोड़ेंगे, तो किसी ने बोला सूरज तो क्या बनाएगा, पसीने छूट जाएंगे एक दिया बनाने में, कहां सूरज कहां दिया। मगर याद रखो, बहुत ध्यान से सुनो,
बहुत देश हैं, मैं उसका नाम नहीं ले सकता ना लूंगा, कुछ ऐसे भी देश हैं जिन देशों में नबी नहीं होते। नबी वहां होते हैं जिस जगह खुदा भेजता है, नहीं तो थोड़ा समय दिखाऊंगा बताऊंगा आपको। हमारा देश, ये जो हमारा देश है ये एशिया है, एशिया बहुत नबी पैगंबर संत लोग, तो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो वचन था परमेश्वर का वो सब एशिया में आए। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिस जगह खुदा राजी होता है वहां अपना पैगाम भेजता है, अपने नबी को भेजता है, अपने संतों को भेजता है। अब उन्होंने कहा आपके देश में पानी, नौकर लोग जो थे उसके साथ वाले जो थे वो बोलते हैं क्यों नाराज होते हो, नबी ने कहा जो कुछ सो करो। तो नबी ने कहा यर्दन में उतरकर 7 बार डुबकी लगा ले तो तेरा कोट चला जाएगा, तो कितना अच्छा यहां। तो उसने बोला पानी, ये तो पानी है। उसने बोला ये यर्दन का सिर्फ पानी नहीं है, यर्दन के पास एक नबी भी रहता है। तो इसीलिए वो बाहर नहीं निकला था कि आप खुदा की कुदरत को जा देखो। तब उसने कहा पानी पानी सब जगह हो सकता, बाणी 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 सब जगह नहीं होती। तो उसने मान लिया। तो वो जब उतरा पानी में उतरा, तब उसका कपड़ा उसने उतारा, क्योंकि वो चाहता था कि मैं ऊपर से सेनापति ही रहूंगा। ये सेनापति की वर्दी, ये राजा की वर्दी, ये मंत्री की वर्दी, ये मिट्टी से ऐसा मिट्टी में मिल जाएगी। किसी ने कहा, किसी डेड बॉडी ने कहा, क्या कहा, ये जरूरी नहीं कि किसी अच्छी नदी का किनारा हो दफनाने के लिए, मिट्टी हूं कहीं भी मिट्टी में डाल दो। तो मिट्टी से है सब कुछ। राजा कुछ होते हैं, हमारे हिंदुस्तान का राजा जो होता है 5 साल के लिए, नबी 5 साल के लिए नहीं, नबी सदा का नबी होता है। तब जो वो उतरा पानी में तो 7 बार डूबना है। पहले तो उसको लोगों ने देखा बाहर से, इसकी वर्दी जो थी, कपड़ा जो था वो तो दिखाता था कि सेनापति है। तो अब पता चला है सेनापति का कपड़ा उतार दो तो अंदर से ये कोड़ी है। तब उसके बाद पानी में उतरा 7 बार, कितना, 7 बार डुबकी लगाना है। डिप, बपतिस्मे का मतलब है बपतिस्मा, बप मैंने डूबना, तिस्मा मैंने पानी से ऊपर आना। बप कौन डूब सकता है, जो खुदा का मुकर्रर किया हुआ नबी या रसूल होता है। तो जब वो पानी में से ऊपर आता है फिर वो पुराने वाला नहीं, एक नया इंसान होता है। तब एक बार डूबा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार,
फिर चौथी पांचवी छठी बार डूबा तो सात बार डूबना है, डाउन टू डाउन, सेकंड डाउन टू डाउन, थर्ड डाउन टू डाउन, फोर्थ डाउन टू डाउन, फिफ्थ डाउन टू डाउन, सिक्स्थ डाउन टू डाउन। उसने बोला डूबा इतनी बार क्यों, जब कोड गया नहीं, जब सातवीं बार डूबा तब पानी से ऊपर आया, तो ये मेडिकल की बात है, ये आम लोगों के समझने के लिए, पता नहीं आपको समझ आएगी कि नहीं। तो लिखा जब सातवीं बार बाहर आया तो उस सेनापति का बदन, सेनापति का बदन बच्चे के बदन से भी ताजा हो गया। कौन बता सकता है कितनी हड्डियां होती हैं एक बच्चे के, जवान होता तो हड्डियां जुड़ती रहती हैं, कम हो जाती हैं, 206 रह जाती हैं, मगर ये जो बच्चा होता है ना, बच्चा आप ध्यान से सुनेंगे, बच्चे की हड्डियां, बच्चे के जिस्म की हड्डियां, जिस्म की हड्डियां ज्यादा क्यों होती हैं, ज्यादा क्यों होती हैं, किसी डॉक्टर से पूछो, ज्यादा क्यों होती हैं, वो जितनी ज्यादा होती हैं उतनी सॉफ्ट भी होती हैं। निकोदीमस ने कहा ये तो हो नहीं सकता, जब पैदा होता है तो हड्डियां सॉफ्ट होती हैं, तब जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो किस तरह माँ के पेट में दोबारा जाएगा। उसने बोला कि तुझे नया जन्म लेना जरूरी है, आप सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, यूनानी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, याद रखो एक बार तुझे पानी में, वाणी में, वचन में गुजरना है। जब डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, इसका मतलब हर एक इंसान पाप का कोड़ी होता है, तो हर इंसान की बॉडी में सात पर्दे होते हैं जिसमें कोड होता है। तो सातों पर्दे उतर गए तो उसका जिस्म बच्चे के जिस्म से भी ताजा। तो यीशु मसीह ने कहा नाम में, वचन में, रूह में, पहले अंदर जाना फिर उसमें से बाहर आना, ये नया जन्म है। तब जब वो उसका बदन ऐसा हो गया बच्चे के जिस्म से भी ताजा, किसी डॉक्टर से पूछ सकते हो कि ज्यादा हड्डियां क्यों होती हैं तो कम क्यों हो जाती हैं, कौन सी हड्डी किस हड्डी से एक होती है, ये शायद आप समझ सकेंगे डॉक्टर से। मगर हम जो देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं जो नए सिरे से पैदा होता है, जो नए सिरे से पैदा होता है, वो आम जिस्म जो होते मां के पेट में से निकलता है इंसान, उससे कई गुना ज्यादा सॉफ्ट होता है। कैसे समझेंगे पता नहीं, पर समझने की कोशिश करो। जब वो ऊपर आया तो उसका बदन ऐसा हुआ
कि बच्चे के बदन से भी ज्यादा ताजा जब वो बाहर आया, पहले तो वो सेनापति की सूरत में आया था अलीशा नबी के पास। नबी के पास अगर आप आना चाहते हैं तो जब नबी के पास आना है तो राजा का मुकुट पहन करके नहीं, फकीरों का फकीर हो करके आना है। आप तो कुछ लेने आए ना, 2 साल गुजर गए तो मैंने बोला था मेरे घर से बारात बनकर कभी नहीं जाएगी। इसका मतलब बारात ले जाना लड़की वालों के घर, ये गलत है, थोड़ा नहीं बहुत गलत है। बाइबल में भी नहीं लिखा बारात के लिए। तो मैंने बोला कि सब इकरार करो आज कि बारात ना बेटी के लिए कर जाएंगे ना बेटी के लिए बारात मंगवाएंगे। तो बहुत लोगों ने तस्लीम भी कर लिया इस वचन को, तो कुछ लोगों ने मजाक समझा। तो ब्राय मेहरबानी करके प्लीज सुनो, ध्यान दो। आज सरकार ने क्या बोला, अगर शादी चाहिए करना लड़की लड़के की तो 4 आदमी सिर्फ जाएं, 5वां ड्राइवर हो। तो एक ने भालू बोला, कहते देखो जी थोड़ी मर्जी ना ही भी एक शादी कर ली। मैं क्या किस तरह शादी की थी? कहना जी देखो जी मेरे दोतरे की बरात सी, 4 बंदे गए, 5वां ड्राइवर सी। तो मैंने बोला अच्छा, तो यदा मतलब है तुहाडे च अगवाई हो गई है। कहते मेरी अगवाई बन गई। मैं क्या भाजी खुदा दे कलाम तो डर के किया जे। वो भाजी तुहां भी बरात खानी होगी, इतना कितने कितने ना कितने मंगानी होएगी। दस बारह क्यों नहीं जाते? मैनू कहते भाजी तरसेब है। कहते वेखो जी मैं यही एक ब्याह कर ही लिया ना रब दे आखे। मैं कह सच दस, रब दे आखे करके बरात नहीं खड़ी? कहिंदा वैसे तो छत्तरां तो डरदी नहीं खड़ी। कहदे तू अजीजो किसी दबाव में आकर मुबारक वो होते हैं जो खुदा का हुक्म मानते हैं वैसे ही जैसे खुदा कहता है। इसलिए अब क्या हुआ कि वो नंगे पांव आ रहा है अलीशा के पास। जब वो अलीशा के पास आया वो रथ पे चढ़ करके नहीं, राजे का मुकुट पहन कर नहीं, एक आम बच्चे की तरह वो आया। तब जब वो बच्चा बनकर आया, बोलो जब वो बच्चा बनकर आया तो अलीशा नबी उसकी इंतजार में दरवाजे में खड़ा हो गया। खुदा के पास आते हो ना टावर टार काट के ना आया करो, लोग पहला मोड़े ने सेरे बांधे फिर तलवार मोड़े च रख दे, वो कादे बाद कोई पता नहीं किसे लड़ाई शुरू हो जाए, पता ही नहीं। खैर ये समझ लो कि जब वो बच्चे की मानंद आया तो नबी उसकी इंतजार में खड़ा हो गया। जब तुम बच्चे बनकर के खुदा के पास आओगे ना
तो खुदा आपकी इंतजार करेगा। बेटा जा रहा है तो बाप पीछे नहीं गया। किसी ने बोला आपका बेटा जा रहा है तो आप गए नहीं उसके पीछे। कहते बेटा जो होता है ना, जो बेटा होता है वो रूठ जाए उसको मनाया नहीं करते, जो बेटा होगा वो वापस खुद ही आ जाता है। समझ लो, असली पिता संत होता है। तब उसने कहा कि ये जो मैं हदिया लेकर आया हूं, दान लेकर आया हूं, प्लीज इसे कबूल करो। उसने बोला हरगिज नहीं, जिंदा खुदा की कसम मैं कुछ भी नहीं लूंगा। उसने बोला क्यों? उसने बोला अब इस तेरे दान में कोड़ है, कोड़ तेरे दान में कोड़ है। सब लोग जानते हैं एक की गरीब आदमी की रोटी में दूध होता है, गरीब आदमी की रोटी में खून होता है, अमीर आदमी की रोटी में। एक भाई ने बोला कि आप भी ले लो, आप भी ले लो राशन। कोई निके निके लफाफे जी नहीं पड़ रहे पिंड, तो उसने कहा नहीं, ऊपर देखो मेरे घर पे क्या लिखा है। तो वो लिखा हुआ था हो सन्ना का विश्वासी, मुबारक है वो जो खुदाबंद के नाम पर आता है, उसको होसना कहते हैं। तो उसने बोला जब से ये बंद है तब से मेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। जंगल में शेर का भूखा बच्चा रह सकता है, तालबे खुदा कभी भूखे नहीं रहते। ये गवाही है। आज कौन सी तारीख है? आज तारीख कौन सी है? कुल बल गई 18 तारीख। ये एक साल नहीं 10 साल तक भी बंद रहे तब तक खुदा का एक भी जन नहीं होगा जो भूखा सोएगा, एक भी नहीं। तो इसलिए उसने कहा ये नहीं, ये आप इसलिए लाए थे कोर से शिफा पाने के लिए, तो अब मैं बताता हूं। कलाम सुनो, कलाम जो कहता सो करो। ये वबा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक खुदा के कलाम की मर्जी को, खुदा की मर्जी को जब तक आप पूरा नहीं करते। कोई ना कोई मुसीबत बनी रहेगी, कोई ना कोई मुसीबत आफत आती रहेगी। इसीलिए उसने बोला मैं कुछ नहीं लूंगा। तो उसने बोला फिर दो खच्चरों की मिट्टी दे दो, जिस जगह आपके पांव है ना, इस जगह की एक मिट्टी दे दो, तो मैं इस मिट्टी को लेकर जाऊंगा अपने देश में, तो मैं बोलूंगा मैंने कोड़ से शिफा नहीं सिर्फ पाई, मैंने खुदा को भी पा लिया है। तो वो ही करूंगा जो खुदा कहेगा, वो ही। एक और भाई
आप जानते होंगे यूहन्ना की अंजील में उसका पांचवा बाब है, उसकी पहली आयत से जब आप पढ़ोगे, पहली आयत से, तो वहां लिखा है खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम जब वो आया तब भेड़ दरवाजा, भेड़ों का दरवाजा, जैसे हमारे अमृतसर में होते हैं कि नहीं, हकीमा वाला गेट, लोहड़ियां का गेट, खजाने वाला गेट, है ना, सारे तो ऐसे ही गेट होते थे उस जमाने में। तब वो भेड़ों का दरवाजा था, तो जब उसने देखा कि नाम के दरवाजा है भेड़ वाला, भेड़ों वाला, तर्मिया वाला दरवाजा, तो जब खुदावा ने आके देखा तो सब बीमार ही थे, बस बीमार ही थे। तो वहां एक हौज था, तो हम तीसरी आयत से पढ़ेंगे जल्दी। इनमें बहुत से बीमार और अंधे, तो पांच बर आमदे थे, पूरी दुनिया पांच ही हिस्सों में बटी हुई है, तो हर हिस्से में बीमार थे। बताओ कौन सा देश है जहां रोग नहीं, बीमारी नहीं, परेशानी नहीं, बताओ कहां, कौन सा देश है। तब उसने देखा सब बीमार ही बीमार हैं। तो वहां एक हौज था पानी वाला, चौथी अध पढ़े, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता। एक वक्त था 24 घंटे में सिर्फ एक बार, कितने समय में, 24 घंटे में एक बार, टाइम नियुक्त नहीं था, कभी 24 घंटे में एक बार उसने उतरना है, 12 बजे उतरना है, कभी वो 5 बजे उतरेगा, 1 बजे उतरेगा, कभी भी, पर नियुक्त टाइम नहीं था। तो सब बीमार पानी को और देखते थे। उसका नाम था बैत हसदा, बैत मैंने घर, बैत मैंने घर, हसदा मैंने रहमत का घर। तो उस पानी में बहुत गिरा करते थे, जब पानी हिलता था ना तो सब पानी में कूद पड़ते थे। तब पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता, मैं एक बात कहूंगा, बताओ भाई साहब, बताओ पहले खुदा है या आपकी दुनिया, पहले खुदा है या आपका माँ बाप, पहले खुदा है या बहन भाई, पहले खुदा है या बच्चे है पहले, बोलो खुदा है पहले या आपकी जान पहले है। अगर आपकी जान पहले तो बचाओ, समझ गए, पहले खुदा हो तब क्या होता था, जो कोई पहले उतरता, जो पहले कोई उतरता था सो शिफा पाता, तो वो शिफा पा लेता था उसकी जो कुछ बीमारी, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मगर वहां एक बीमार पड़ा हुआ था, उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, वहां एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में, 38 वर्ष से बीमारी में मुबतला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा, और यीशु मसीह ने उसको पड़ा देखा, और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हाल में, उसने जाना कि ये बहुत मुद्दत से इस 38 साल मुद्दत से इस हाल में पड़ा हुआ है। उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। अब सुन रहे हैं, पानी में कुदरत नहीं,
कुदरत खुदा के कलाम में है। आंखों पे मिट्टी लगा करके यीशु मसीह ने कहा उस कुंड में जा करके धो ले, तो उस कुंड का मतलब ये नहीं है कि उसका पानी जब वो आंख से लगाया जाता था तो आई बॉल बन जाते थे, डिली बन जाते थे, या आंखें खुल जाती थी, या अंधा देखने लगता था। पानी में नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के वचन में। आज लोग पानी को देखते हैं, पानी को, आप जानते हैं कि पानी में नहीं खुदा के कलाम में कुदरत है। और उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं, मैं इतना लाचार हूं, मैं अपने आप कूद कर उस पानी में गिर नहीं सकता, पानी दूर भी नहीं होता था, शर्त ये थी जो पहले गिरे। तो अब तो बस इंतजार है तो मौत की। फिर से सुनिए, मेरे पास कोई आदमी नहीं है। तो आपके पास तो बहुत दौलत दोस्त थे, हाँ दोस्त थे बहुत, मगर वो उनकी दोस्ती जिस चीज से थी वो मेरे पास चीज ही नहीं रही। जब शहद की मक्खियां उड़ जाती हैं तो पूछा जाता है कि खग्गा छोड़ दिया, तो वो कहती हैं एक बूंद भी रस की होती तो हम कभी ना उड़ते। आपको चूसेंगे, आपको निचोड़ेंगे, आपको तोड़ेंगे खुदा से। इसलिए अकल के थे जो वो भी चले गए, हुसन के थे वो भी चले गए, ताकत के जो थे वो भी चले गए, अपने चले गए, पराए चले गए, कोई नहीं रहा। तब उसने कहा, तूने ये ज्ञान प्राप्त किया है, बिना खुदा के ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा जो इंसान का हो, फिक्र करने वाला हो या बचाने वाला हो। तो इसलिए खुदा ने यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा पहले उतर पड़ता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि उस वचन को जो खुदावन ने कहा, हमारे पढ़ने वाला थोड़ा सा कुछ कमजोर है ना, वो जो बात हमने पढ़ ली उसी को दोबारा फिर पढ़ता है। तो अब हम सातवीं आठवीं आयत पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और चलने फिरने लगा। पानी में कुछ नहीं है, कलाम में है, वाणी में है, कलाम में है। कुछ लोग तीर्थों में जाते हैं, जाओ हज को जाते हैं, जाना चाहिए, बड़ी बड़ी जगहों में जाते हैं, जाना चाहिए, मगर याद रखो कलाम मिला वो भी खुदा का, तब आपको निजात मिलेगी। कुछ लोग सुनते हैं भूल जाते हैं, आईना देखो, आईना आईना शीशा देखो, देखो आईना शीशा, जिस वक्त आप देख रहे हैं ना, शीशा आपके हाथ में है ना, शीशे को रख दो, उसी वक्त आप अपनी सूरत भूल जाओगे।
अगर देखना है ना अपने आप को तो लुक अनटू जीसस, परमेश्वर को देखो, परमेश्वर की सुनो, उसी के वचन में कुदरत है। तो खुदावन चाहता है कि आप कलाम सुनो जो कहता है। अगर खुदा ने कहा ना ऐसे बैठ तो वैसे बैठो, खुदा ने कहा ना जब तेरा एक हाथ दान करता तो दूसरा को पता ना चले, तो आज लोग थोड़ा थोड़ा भोजन देकर तस्वीरें उतार रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? अजीजों याद रखो, मिला खुदा का कलाम तब, लिखा है जिसके पास खुदा का बेटा है, जिसके पास खुदा का कलाम है उसके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, खुशहाली है, सुकून है, इत्मीनान है, दिलेरी है उनके पास जिनके पास खुदा का कलाम है। तो इसलिए अजीजों कलाम को सुनो जो कहता है सो करो, जो कहता सो करो, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप खुदा के कलाम में रहोगे, कलाम आपके अंदर रहेगा, मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में, जो चाहो मांगो सब तेरे लिए हो जाएगा। ये सब आफतें जो नाजिल हुई हैं ये हट जाएंगी, चली जाएंगी, ये मरी खत्म हो जाएगी, सब मुसीबतें टल जाएंगी, सिर्फ खुदा के कलाम में कुदरत है और वही कुदरत आपको बचा सकती है। आंखें बंद करो, सिर को झुकाओ, हम दुआ करेंगे। खुदावन तेरे कलाम में कुदरत है, बख्श दे सबको जो कलाम कहे सो करें, ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करें। सब पर रहम कर, दुनिया बनाने वाले दुनिया पर रहम कर दे, हर एक तेरी ओर वापस आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सुनने वालों पर और सारी दुनिया पर हमेशा तक होता रहे। आमीन आमीन, आमीन।